नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, इस वीडियो में आज के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो है DELED के स्टडी मटेरियल कोर्स 503 से लिया गया है। जैसा कि दोस्तों पहले भी हम लोगों ने 501 के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को किया था, और 502 के भी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को किया था। और ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल एग्जाम को लेके, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लें। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उन सभी वीडियो को देख लें और सभी क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पे जो है जरूर से शेयर करें, ताकि सभी तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके और सभी जो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा वीडियो जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं के अंतर अधिकतम किस स्तर पर होते हैं। तो ये भाषाओं का जो अंतर है किस स्तर पर होता है वो आपको बताना है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है वाक्य के स्तर पर, ऑप्शन बी दिया गया है शब्द के स्तर पर, ऑप्शन सी दिया गया है ध्वनि के स्तर पर, और ऑप्शन डी दिया गया है संवाद के स्तर पर। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर अधिकतम किस स्तर पर होता है। इसके लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे, इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ध्वनि के स्तर पर। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की दृष्टि से इंसान कब व्यस्क हो जाता है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है 2 वर्षों में, और ऑप्शन बी दिया गया है 4 वर्षों में, ऑप्शन सी दिया गया है 6 वर्षों में, और ऑप्शन डी दिया गया है 5 वर्षों में। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है भाषा की दृष्टि से इंसान कब व्यस्क हो जाता है। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 4 वर्षों में। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, पुत्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है तनुजा, और ऑप्शन बी दिया गया है आत्मजा, और ऑप्शन सी दिया गया है अनुजा, और ऑप्शन डी दिया गया है तनिया। तो इसमें जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है पुत्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी अनुजा। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में संज्ञा के रूप होते हैं, तो कितने संज्ञा के रूप होते हैं वो आपको बताना है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो भी सही आंसर आपको लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है हिंदी में संज्ञा के रूप होते हैं, कितने संज्ञा के रूप होते हैं हिंदी में वो आपको बताना है। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 6। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में कर्मशः स्वर व व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, तो कितनी स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ हैं हिंदी में वो आपको बताना है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है 10 वो 33, और ऑप्शन बी दिया गया है 33 वो 20, और ऑप्शन सी दिया गया है 24 वो 15, और ऑप्शन डी दिया गया है 11 वो 35। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है हिंदी में कर्मशः स्वर व व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 10 वो 33। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी भाषा में 20 स्वर ध्वनियाँ अधिकतम होती हैं, जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम जो है कितनी स्वर ध्वनियाँ हो सकती है वो आपको बताना है। इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 2। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है किसी भी भाषा में 20 स्वर ध्वनियाँ अधिकतम हो सकती है, जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम जो है कितनी स्वर ध्वनियाँ हो सकती है वो आपको बताना है। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 3। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है 1100, और ऑप्शन बी है 1600, और ऑप्शन सी है 1400, और ऑप्शन डी है 600। तो इसमें आपको बताना है भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1600। और दोस्तों, इसमें बता दें कि पूरा विश्व में जो है लगभग 5000 भाषाएं जो है बोली जाती हैं। पूरा विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से कि एक तिहाई भाषा जो है वो इंडिया में बोली जाती है। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किस समुदाय की उपजातियाँ अलग अलग
बोलियों का आपस में प्रयोग करती है। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है नागा, ऑप्शन बी है मणिपुरी और ऑप्शन सी है मिजो और ऑप्शन डी है संथाली। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि समुदाय की उपजातियाँ अलग अलग बोलियों का आपस में प्रयोग करती है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी नागा। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका संविधान में किस भाषा को जानने वाले को नागरिकता देने की बात कही गई है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है लैटिन और ऑप्शन सी है हिब्र और ऑप्शन डी है अनासाजी। तो इसमें जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है अमेरिका संविधान में किस भाषा को जानने वाले को नागरिकता देने की बात कही गई है। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी अंग्रेजी। और फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं वो आपको बताना है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए है दो, ऑप्शन बी है चार और ऑप्शन सी है छः और ऑप्शन डी है सात। तो इसका जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है भारत में कितने भाषा परिवार हैं। इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी चार। तो दोस्तों यही था आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आज आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों आगे इसी तरह से हम लोग 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 501 और 502 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को वहाँ पे किया था। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देख लें और उन सभी वीडियो को जो है आप अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल एग्जाम को लेके। और दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पे जोर से शेयर करें ताकि सभी तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके और सभी जो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल लगा उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा वीडियो जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।